शिक्षक दिवस टीचर्स डे हर डे एक स्पेशल डे है, लेकिन कुछ डेज को हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले ह्यूमन बींग कुछ खास बनाए हुए हैं, स्पेशल बनाए हुए हैं। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं उत्सव, फेस्टिवल, जिस दिन हम लोग उस विशेष चीज के लिए सेलिब्रेट करेंगे। तो आज टीचर्स डे के नाम से दिन बना हुआ है। टीचर होता क्या है? वो टीच जो तुम्हें नया सिखाता है। जैसे बचपन में मां के पेट से जैसे तुम बाहर आते हो, तो वो चार साल के लिए सबसे बड़ा गुरु तुम्हारी मां है। इस जगत में से परिचित तुम्हें कराती है, इस जगत में जो प्रॉब्लम्स है उससे लड़ना सिखाती है। सबसे पहले तुम मां बन के चलते हो, तुम्हें खड़ा होकर चलना सिखाती है। तो मां से बड़ा गुरु कोई नहीं, मां से बड़ा टीचर कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मां और पिताजी के लिए होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें सिखाया जाता है कि मॉर्निंग में उनका पैर छुओ, प्रणाम करो और श्रद्धा से। और एक ये जो अंग्रेजों की भाषा आ गई है गुड मॉर्निंग, वो वहां की भाषा चलो अच्छी बात है, लेकिन गुड मॉर्निंग में हम लोग क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। कोई उसमें इमोशन, अफेक्शन, रिस्पेक्ट नहीं होता है, लेकिन पैर छूने में, झुकने में सब चीज आ जाता है। तो अगर आप गुड मॉर्निंग भी बोले तो झुकिए, बेंट कीजिए और प्रणाम करते हुए बेंट कीजिए। मान लो कि स्कूल में 1000 बच्चे आते हैं, अब बोला जाए बड़ी मैम का, बड़े सर का, टीचर सर का पैर छू, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन बाउ डाउन। घर जाए या अकेले हैं तो आप पैर छू के प्रणाम करें सबसे पहले। This is called respect. जो तुमको सिखाता है बस एक ही चीज तुमसे मांगता है कि तुम उनकी रिस्पेक्ट करो। बदले में वो जो चीज सिखाता है उसका आभास भी तुमको नहीं हो सकता है। पहले हम लोग जैसे पृथ्वी पर आते अंगूठा छाप, कोई पढ़ने नहीं जानता है, कोई पढ़ने नहीं जानता है। अगर टीचर के संपर्क में नहीं जाओगे, स्कूल नहीं जाओगे, तो अंगूठा छाप ही रह जाओगे। वो नर्सरी की टीचर हो या एमए की टीचर हो, वो कखोगे से शुरू करे, चाहे चार्ल्स डार्विन का थ्योरी बताए तुम्हें, लेकिन वो तुम्हें सिखा रहा है कखोगे से लेके और टोटल चीज के लिए। तो इस दुनिया में तुमको जीने लायक बना रहा है तो वो टीचर है। तो बिना किसी सोच के आपको उनको रिस्पेक्ट करना है और अफेक्शनेट रहना है। नंबर टू, अब आपको जीवन के बनाने के लिए अनुशासन में वो लोग रखेगा, अनुशासन सिखाएगा। अगर मान लो कोई बच्चा वर्क नहीं करता है तो उससे जबरदस्ती करवाएगा ताकि वो सीख सके और आगे कर सके काम। तो अगर तुम्हारे लिए थोड़ा कड़ा होता है, जैसे मान लो कोई सामान तीन है टेढ़ा हो जाए, तो मुलायमियत से करोगे तो नहीं होगा ना, उसको लोहा हथौड़ा से पीटोगे, हैमर से, तब वो सीधा होगा। यही टीचर का काम है कि तुमको डिसिप्लिन में लाता है और तुम्हें कुछ सिखाता है ताकि तुम जीवन में अच्छा कर सको, तुम्हारे लेवलीवुड के लिए तैयार करता है। तो अगर टीचर कड़ा होता है तो ये मत समझो कि नहीं पढ़ना है, भागना है, ये चीज नहीं। वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें बनाने के लिए हर विद्या अपनाता है। तो अगर टीचर तुम्हें होमवर्क देता है और तरह तरह के बहाना बनाओगे तो इससे तुम ग्रो नहीं करोगे।
तो कम से कम 20 साल एक टीचर जो पढ़ाता है ना, तो उतने बच्चों को बनाता है। वो नर्सरी का ही टीचर हो चाहे 12th का टीचर हो, तुम्हारे बनाने में बहुत बड़ा रोल करता है। और जितना दिन स्कूल में हो तुम, समझो कि रोज थोड़ा 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 तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे ही कोई मैडम क्यूरी नहीं बनता है, ऐसे ही कोई आइंस्टाइन नहीं बनता है, ऐसे ही कोई महात्मा गांधी नहीं बनता है, पढ़ाई के दौर से गुजरते गुजरते वहां तक पहुंचता है। तो ये चीजें भावना अंदर डाल लो कि हमको अंगूठा छाप से लेके और लायक बनाने में टीचर का ही रोल है। तो हमारे यहां बहुत ज्यादा गुरु को रिस्पेक्ट दिया, इवन भगवान से ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया। पहले ये महसूस करो और तुम्हारे लिए टीचर काम कर रहा है, सुबह से शाम तुम्हारे आगे पीछे रहता है कि तुम अच्छा कर सको। तो ये प्रयास करो, दो चीज, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट एंड दे विल टीच यू डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रखना है। तो एक वर्ड हमने फॉर्म किया R&D, क्या फॉर्म किया है? R फॉर रिस्पेक्ट एंड D फॉर डिसिप्लिन। ये दो चीज बेटर हमेशा दिमाग में रख के टीचर का सहयोग लेके आगे बढ़ो। और सिर्फ टीचर, ये पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, प्रकृति में जितना चीज है, एक बुरा आदमी, एक छोटा आदमी भी, वो तुम्हारा टीचर है। जो तुमको कुछ सिखा दे, वो ही बिकम्स योर टीचर। अभी ना सोचो कि ये है, ये कुछ सिखा देती है तो वो टीचर, वो भी टीचर हो गई। तो मन से उसको भी रिस्पेक्ट करना होगा। बस खाली तुम रिस्पेक्ट करो और डिसिप्लिन में रहो, जीवन तो बनना ही बनना है। और आज तुम लोग का ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दे थ्रू अनदर चैनल, माने कुछ सेलिब्रेट करके उनका मुंह मीठा करें, ठीक है? तो आज तुम्हारा दिन है, तो इसको थोड़ा सा डिसेंट वे से और कायदे से सेलिब्रेट करना, ठीक है? थोड़ा बहुत हुआ हो सकता है, लेकिन एक सीमा में। दूसरा, दो चीज अभी समाज में जो चीज गड़बड़ है, तो समाज चलता है जैसे नदी बहती है तो साफ पानी भी रहता है, लेकिन कुछ जगह जाके गंदगी भी फंस जाता है, लेकिन बहते बहते फिर साफ हो जाता है। तो बहुत सी चीजें समाज में अनर्गल चीज भी फैली हुई है, जैसे हम लोग के यहां कुछ अश्लील गाना सा फैला हुआ है, तो कायदे से ना उस गाना को अपने मोबाइल में बजाएं, ना घर में बजाएं, या कोई बजाता भी है कोई फंक्शन में आपके यहां, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए, उसको मना कीजिए। जितनी आवाज घुसती है ना, सबका असर पड़ता है, ये साउंड तैरता है, तो दैट इज एनर्जी, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप उसे डिस्टर्ब ना हो, और आज तन से मन से अथवा लगता है धन भी लग गया है तुम लोग का, तो धन से भी सेलिब्रेट करो टीचर्स डे। और टीचर्स का अफेक्शन हमेशा आपके साथ बना रहेगा और बना रहेगा। ओके।